नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट अपने टू सेवेंटी में जो एलम पोटेंसी की प्रिपरेशन के बारे में बात uh, हुई है उसका uh, शुरू किया था उसमें सिर्फ मैंने अभी एलम पोटेंसी में ये बताया था कि एलम पोटेंसी को अलग अलग नेम दिए और वो किस किस ने दिए हैं ठीक है ठीके? जिसमें ऐसे कि क्यू पोटेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यू पोटेंसी पोटेंसी को किसने बोला था पोटेंसी पोटेंसी को क्यू किसने बोला था तो दैट इज बाई एड जॉस्ट कु ये ध्यान रखना तुमको नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे 270 एफआरिज्म में प्रॉपर प्रिपरेशन लिखा हुआ है कि कैसे एलम पोटेंसी का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस लेते हैं वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस लेते हैं वन लिख लेना ना इसमें वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस लेते हैं उसको किसके साथ मिक्स करते हैं हंड्रेड ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ उसको मिक्स uh, करके उसका ट्राइचुरेशन करते हैं ट्राइचुरेशन का प्रोसीजर सबको पता होगा ना कि एक घंटे का प्रोसीजर होता है उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स की शिफ्ट होती है ट्वेंटी मिनट में फिर तीन तीन प्रोसीजर होते हैं ठीक है वो उसमें फार्मेसी में अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार दोबारा पढ़ लेना वो इजी है उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं अच्छा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस इस वन ग्रेन का मतलब क्या है कि वन ग्रेन कितना होएगा तो वन ग्रेन क्या चीज़ कंटेन वन ग्रेन कितने से बनता है वन ग्रेन या तो उसमें सिक्सटी फाइव मिलीग्राम मेडिसिन हो मतलब सिक्सटी फाइव मिलीग्राम वेट होना चाहिए उस ड्रग सब्सटेंस का या फिर इसको किसके इक्वलेंट माना जाता है कितनी ग्लोब्यूल्स के इक्वलेंट माना जाता है कि एटलीस्ट हंड्रेड ग्लोब्यूल्स होनी चाहिए उसको वन ग्रेन बोला गया हंड्रेड ग्लोब्यूल्स होनी चाहिए उसको वन ग्रेन बोला गया ठीक है तो वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस का मतलब क्या है सिक्सटी फाइव मिलीग्राम ऑफ ड्रग सब्सटेंस या फिर हंड्रेड ग्लोब्यूल्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस ये लेने अपने को वन ग्रेन ऑफ ड्रग सब्सटेंस उसको हंड्रेड ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ मिक्स करेंगे अपने ट्राइचुरेट करेंगे तो इससे अपने पास में क्या आ जाएगी सेंटिसिमल पोटेंसी आ जाएगी ना फर्स्ट सेंटिसिमल पोटेंसी आ जाएगी इसको इसी तरीके से ट्राइचुरेट करना है फिर अगेन uh, मतलब जो सेंटिसिमल स्केल की फर्स्ट पोटेंसी है उससे एक ड्रग सब्सटेंस लेंगे फिर उसको 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ ट्राइचुरेट करेंगे तो अपने को टू सी पोटेंसी मिल जाएगी फिर टू सी का एक ग्रेन लेंगे 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे तो अपने को थ्री सी पोटेंसी मिल जाएगी जब अपने को थ्री सी पोटेंसी मिल जाएगी ये काम आएगी अपने किसके फिफ्टी मिलिसमल पोटेंसी बना देंगे तो सबसे पहले तो एल पोटेंसी बनाने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए सेंटिसिमल स्केल की थर्ड पोटेंसी उस मेडिसिन की होनी चाहिए फिर अपने को क्या करना है ये थ्री सी जो पोटेंसी बनी इसका एक ग्रेन लेना है इसको किसके साथ में मिक्स करना है 500 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर अब ये मिक्सचर में क्या है मिक्सचर में वन रेशो फोर में चीज है क्या वन रेशो में अल्कोहल है एंड फोर रेशो में डिस्टिल्ड वाटर है तो अपने पास में इसमें से वन ग्रेन अपनों ने ले लिया मतलब इसकी थ्री सी जो पोटेंसी है उसकी हंड्रेड ग्लोब्यूल्स ले ली या फिर इसका सिक्सटी फाइव मिलीग्राम पार्ट ले लिया थ्री सी पोटेंसी का उसको अब किसके साथ मिक्सर मिक्स कर दिया एक मिक्सचर है जिसमें कि पांच पांच सौ ड्रॉप है अप्रोक्स फाइव हंड्रेड ड्रॉप है जिसमें से सौ ड्रॉप इसमें किसकी है एल्कोहल की है एंड फोर हंड्रेड ड्रॉप इसमें किसकी है, इस किस है? डिस्टिल्ड वाटर की है तो मतलब इसका रेशो क्या है रेशो ठीक है यहां तक तक सबको। इसके बाद में इस सॉल्यूशन को सिर्फ सिर्फ मिक्स मिक्स कर कर रहे रहे हैं, हैं, इसमें इसमें कोई नहीं नहीं कि वो वो एक 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 घंटे का का पूरा प्रोसीजर करेंगे, सब इसमें कुछ करना मतलब ग्रेन लेके 500 ड्रॉप ऑफ के साथ इसको और एक थीसी, थीसी का, इसका जो मिक्सचर बना अब इसमें क्या मिलाएंगे अपने हंड्रेड ड्रॉप ऑफ एल्कोहल हंड्रेड ऑफ एल्कोहल मिलाने के बाद अब इसमें करेंगे हंड्रेड सकशन ठीक है हंड्रेड सकशन जब अपने कर देंगे तब उससे अपने को क्या पोटेंसी मिलेगी फर्स्ट एलम पोटेंसी या फिर जिसको जीरो बाय वन भी बोला जाता है जीरो बाय वन बनने के बाद में उसके बाद में सारी आगे वाली इजी होती है

इसका जो प्रोसीजर बताया है, है ने वो कितने तो एलम पोटेंसी में हंड्रेड कर सकर्स कि करने, तो करने होते हैं थर्ड इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको कितने ड्रॉप ऑफ एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तो इसको सिर्फ हंड्रेड ड्रॉप ऑफ एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन आते हैं दो तीन इसकी प्रिपरेशन रिलेटेड

Uh, मतलब लेदर बाउंड बुक होती है उसके ऊपर रख के फिर उस पर सकशन का प्रोसीजर करते हैं सक्शन का प्रोसीजर सबको पता होगा ना कि वो थंब uh, को उसके अपने अंगूठे को बॉटल के ढक्कन पे रखते हैं लिटिल फिंगर को उसके बॉटल के नीचे रखते हैं फिर ऐसे अपनी चेस्ट uh, मतलब शोल्डर से लेके चेस्ट तक हाथ रख के उसे सकशन का प्रोसीजर किया जाता है ना ये सबको अभी तक पता होगा तो ये इसमें मतलब एलम पोटेंसी में तुमको क्या चीज़ याद रखनी है कि, कि इसमें जो सकर्षण कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं अपने लेदर बाउंड बुक पे कर रहे हैं इसमें जो अपने वन ग्रेन बोल रहे हैं उस वन ग्रेन का मतलब क्या है सिक्सटी फाइव मिलीग्राम या फिर अगर ग्लोब्यूल्स में पूछ लिया जाता है तो हंड्रेड ग्लोब्यूल्स ठीक है नेक्स्ट एक और चीज़ पूछी जाती है दैट इज मेडिकामेंट ए गट्टा एंड मेडिकामेंट मेंट ए ग्लोब्यूल ये हैनीम ने स्पेसिफिक टर्म्स यूज की थी सेंटिसिमल्स के पोटेंसी के लिए एंड फिफ्टी मेडिसिमल पोटेंसी के लिए जहाँ पे भी मेडिकामेंट मेंट ए गट्टा वर्ड का यूज हुआ है उसका मतलब क्या है सेंटिसिमल पोटेंसी

एडिशन के फुट नोट क्योंकि इससे पहले भी अपने टू सेवनटी एडिशन का फुट नोट पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में वो फिफ्थ एडिशन का फुट नोट था दोबारा देख लो तो ये तुमको ध्यान रखना है कि अपने फिफ्थ का पढ़ रहे हैं का पढ़ रहे हैं कौन से एडिशन का तो देखो यहाँ पे भी अपनों ने पहले टू सेवेंटीज्म पढ़ा उसमें प्रिपरेशन ऑफ ये फिफ्थ एडिशन की सारी बात थी जिसमें का पोटेंसी और प्रिपरेशन ऑफ सी बताया हुआ था एंड इसके फुटनोट में ने क्या बोला था कि होम्योपैथ शुड नॉट कैरी देयर मेडिसिन इन फ्लू क्योंकि उससे पोटेंसी अल्टर हो जाती है तो ये अगर तुमसे चीज पूछी जाती है तो कहाँ पे टू सेवन एफरिज्म अभी क्या पढ़ा? एडिशन पढ़ा पहले टू सेवेंटी का अब टू सेवेंटी का, का फुटनोट पढ़ रहे हैं कि नोट में क्या कहा गया है तो नोट में हैनीमेन ने एक तो वॉशिंग वाश, का बताया है कि जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं यूज हो रहा है यूज हो रहा है, है, है इनको कैसे अपने वॉश करेंगे इनसे वैसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखने के लिए रख सकते हो कि मतलब उसमें उसने मेन जो एफरिज्म है उसमें उसने प्रिपरेशन का बताया एंड फुट नोट में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे उनको कैसे वॉश करके रखना है वो बताया नेक्स्ट ये डेसी पोटेंसी का मैंने तुमको पहले ही बताया था कि एक्स जीरो जो होता है एक्स जीरो को क्या बोला जाता है एक्स जीरो सी है ना जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि डेसिमल जो पोटेंसी होती है वो एक्स से डिनोट होती है लेकिन इसको तुम एक्स जीरो से कन्फ्यूज मत करना एक्स जीरो हैनी मैंने स्पेसिफिकली थर्टी सी में थर्टी सी के लिए यूज किया है तो एक्स जीरो वाला साइन ये अपना ने कौन से सेजम में पढ़ा था इससे पहले एक्स जीरो के बारे में अपने इससे इस पहले कौन से प्रिज्म में पढ़ा था अपरिज्म 246 ना उसमें ने एक्स जीरो के बारे में पढ़ा था तो वहां पे एक्स जीरो इज इक्वल टू थर्टी सी बोला था यहाँ पे 270 के सिक्स एडिशन में इसमें हनीमैन ने एक और चीज ऐड कर दी है कि एक्स जीरो या फिर थर्टी को अपने डेसिलियॉन्स पोटेंसी भी बोल सकते हैं ठीक है

यही टू एटी के फिफ्थ एडिशन में भी अपने अगेन ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के बारे में फुटनोट तो में के केनीमेन ने ये बताया कि यह बताया की डिटेल है, यह में कहां पे दी है? में। यही अपने अल्टरनेटिंग डिजीज के बारे में भी पढ़ा था तो अल्टरनेटिंग सिम्टम्स की डिटेल्स कहाँ पे दी हुई है कौन से उसमें दी हुई है मटीरिया मेडिका प्यूरा में कौन कौन सी मेडिसिन में दी हुई है

वेरी गुड चार मेडिसिन है इग्नेशिया ब्राइमिया बेलाडोना एंड ठीक है तो जैसे वहां पे ने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग एक्शन के बारे में मेन हैनीमेन ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में कहां पे सारा क्लासिफिकेशन दिया है इग्नेशिया में ऐसे अपने यहां पे भी पढ़ रहे हैं कि ट्राइचुरेशन का पूरा प्रोसीजर जो हैनीमेन ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में कहां पे बताया है इन आर्सेनिक एंड पल्सिटी मेडिसिन ठीक है

तो इसलिए हनीमेन ने दो चीज बोली थी कि एक तो डॉक्टर को हमेशा फ्री मेडिसिन दे मतलब अगर आपके पास में कोई दूसरा डॉक्टर दूसरा फिजिशियन आता है तो उसको आप हमेशा फ्री मेडिसिन दीजिए शुड रिसीव फ्री मेडिसिन सेकंड हनीमेन ने क्या बोला था कि जो अगर तुम्हारे पास पुअर पीपल आते हैं लो स्टेटस वाले लोग आते हैं तो उनको भी हक है मेडिसिन लेने का तो उनको भी तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दो अगर वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है तो ये सोशलिज्म का कंसेप्ट ने होम्योपैथी में डाला है कहाँ नोट ठीक है नेक्स्ट इज एफरिज्मी टू एफरिज्म टू टू से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तुमको तो डायरेक्ट बस ये ध्यान रखना है कि एफरिज्म टू टू इसको एक बार फिर भी पढ़ लेना बुक से तो तुमको समझ आ जा जाएगा कि अल्टीमेटली uh, इसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन सिंगल सिंपल सब्सटेंस अपने को एक टाइम पे देना चाहिए उससे uh, मतलब सिंगल uh, uh, क्योंकि अपनी जो प्रूविंग हुई है वो भी सारी सिंगल और सिंपल सब मतलब सिंगल सिंगल उसकी मेडिसिन की हुई है ना ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम पे तीन चार मेडिसिन दे दी गई हो तो अपने को सिम्टम मिले ऐसा तो नहीं हुआ है अपनी प्रूविंग भी सिंगल हुई है इसीलिए अपने को पेशेंट को भी हमेशा वन सिंगल मेडिसिन ही देनी चाहिए तो ये लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स को फॉलो करता है

274 में भी हनीमन ने इसी चीज़ का कंटिन्यूशन बोला है क्योंकि uh, 272 से ना अपने पास में इकोनॉमी शुरू हो गई कि कैसे कैसे मेडिसिन देनी है तो इसलिए यहाँ से हनीमन ने क्या कि कैसे अभी तक अपने पढ़ रहे थे कि मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे करना है ठीक है वो अपनों ने पढ़ा 264 से लेके 271 तक अब 272 से शुरू क्या हो गई फार्माकोनॉमी मतलब अपने मेडिसिन को एडमिनिस्टर कैसे करेंगे तो इसीलिए टू सेवेंटी वन टू में उन्होंने बोला है कि सिंगल मेडिसिन देंगे टू सेवेंटी थ्री में भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि प्रूविंग भी सिंगल हुई है आप आ, आ, मतलब सिंगल देंगे तो उस ए, एक अगर दो तीन मेडिसिन भी इंडिकेट हो रही है तो आप सिंगल मेडिसिन पे पहुंचिए फिर वही आप दीजिए टू सेवेंटी फोर में भी यानी मैंने इसी चीज़ को अगेन एक्सप्लेन किया है लेकिन टू सेवेंटी फोर का लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या उन्होंने टू सेवेंटी फोर में एग्जैक्टली बोला है क्योंकि इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या टू सेवेंटी फोर में हैनीमन ने बोला है इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स वैन सिम्पल मीन्स मतलब कि यह गलत है कि अपने एक टाइम पे तीन या चार मेडिसिन दे अपने उस पेशेंट को इस चीज़ से क्या कर दे रहे हैं कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं जब अपने को पता है कि जो अपनी प्रूविंग है अब इस चीज़ के लिए हैनीमन ने फैक्ट क्या बोले हैं कि अपने को हमेशा सिंगल मेडिसिन क्यों देनी चाहिए क्यों उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना चाहिए क्यों तीन चार नहीं दे, देनी चाहिए तो इसके लिए एनिमल ने फैक्ट क्या बताएं और ये सारे इसने 274 में बताएं क्या फैक्ट बताएं कि एक तो जो अपनी प्रूविंग हुई है वो भी सिंगल हुई है सेकंड अगर अपने दो मेडिसिन देंगे वो अलग-अलग टाइप -अलग की हुई तो वो एक दूसरे के एक्शन को भी hinder करेगी ना हो सकता है एक मेडिसिन दोनों का स्फीयर ऑफ एक्शन सेम ही हो तो एक मेडिसिन उसी ग्लैंड में जाके उसी टिश्यू में जाके कुछ और काम करवाना चाह रही है दूसरी मेडिसिन कुछ और काम करवाना चाह रही है तो उनसे दोनों मेडिसिन के अपने एक्शन भी अल्टर होंगे थर्ड अगर अपनों ने प्रिस्क्रिप्शन जो कर दिया वो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कर दिया और पेशेंट में हो गया एग्रावेशन तो अपने को असल में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मेडिसिन की वजह से एग्रावेशन हो रहा है कि दोनों में से अपने को कौन सी मेडिसिन स्टॉप करनी चाहिए कौन सी मेडिसिन नहीं स्टॉप करनी चाहिए तो इसीलिए हमेशा हनीमेन ने बोला है कि सिंगल मेडिसिन दीजिए नहीं तो मतलब ये, ये फैक्ट की वजह से ठीक है तो ये फैक्ट में रहे, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन आती है टू तो तो की नेक्स्ट इज अबाउट टू सेवेंटी में अगेन हैनीम मतलब इसमें सारे में यही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में, ही है। तो 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 में भी हैनीमेन ने क्या बोला है कि जितनी अपने कैसे मेडिसिन की सिमिलैरिटी तो अपने को चलो पता लगे अब साइज ऑफ डोज का भी अपने को ध्यान रखना है तो सुटेबलनेस ऑफ मेडिसिन अगर एक पेशेंट को अपने दे रहे हैं मेडिसिन वो पेशेंट को सुटेबल दो तरीके से होनी चाहिए एक तो मेडिसिन हमारी करेक्ट होनी चाहिए मेडिसिन हमारी सिमिलर होनी चाहिए सेकंड साइज ऑफ डोज मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो अपने को पता है अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है ठीक है तो सुटेबलनेस ऑफ मेडिसिन अपने किस चीज़ से जज करते हैं एक तो सिमिलैरिटी ऑफ मेडिसिन से एक साइज ऑफ डोज से ये कहाँ पे बोला है एफरेजम टू में नेक्स्ट एफरेजम टू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एफरेजम टू का क्वेश्चन आता है फर्स्ट जब इन्होंने 275 में पहले क्या बोल दिया मेडिसिन एंड डोज तो इन्होंने 275 से डोज की बात स्टार्ट कर दी अब इसके बाद में सारे जितने एफरीजम आएंगे तीन चार एफरेजम आएंगे उसमें अपनों ने डोजेस के बारे में पढ़ना है कि डोज अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा घट जाएगी तो क्या होएगा तो टू में सबसे पहले उन्होंने बोला है इंक्रीज डोज के बारे में बारे में कि अगर अपनी मेडिसिन प्योरली होम्योपैथी का अपनों ने प्योरली सिमिलर मेडिसिन दी है लेकिन या तो उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा दे दी अपनों ने या फिर उसकी डोज बहुत ज़्यादा दे दी तो वो सबसे ज़्यादा पेशेंट को हार्म करेगी सबसे ज्यादा वो पेशेंट को नुकसान करेगी वो इतना ज़्यादा नुकसान करेगी कि इवन अगर इससे अच्छा एलोपैथिक मेडिसिन दी होती तो भी पेशेंट फायदे में रहता क्यों ये इतना नुकसान कर रही है क्योंकि अपने को पता है कि होम्योपैथी में क्या होता है जो अपने मेडिसिन दे रहे हैं उसकी पिक्चर भी सेम ही होती है जैसे डिजीज़ की पिक्चर होती है अपने दोनों पिक्चर्स को मिला के ही देते हैं तो ऑलरेडी उस मेडिसिन ने जिस ऑर्गन पे जाके एक्ट करना था जिस टिश्यू पे जाके एक्ट करना था वो ऑलरेडी वीक हो रखा है वो टिश्यू ऑलरेडी इरिटेट हो रखा है वो टिश्यू ऑलरेडी सफ़र कर रहा है अगर अपने उसको और डोज की हाई पावर की मेडिसिन दे देंगे तो उससे क्या होगा वो टिश्यू पहले ही सफ़र कर रहा था तो जो उसकी नॉर्मल डिजीज थी जो उसकी नेचुरल डिजीज़ थी वो तो निकल जाएगी लेकिन मेडिसिनल डिजीज़ इतने टाइम तक लास्ट लॉन्गर करेगी इतना डीपर हो जाएगी वहां पे कि उसको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा इसीलिए होम्योपैथीसिटी का मतलब क्या होता है What is the meaning of पता है है किसी को का मतलब होता है कि जो अपने उन्हें होम्योपैथिक रेमेडी दे रहे हैं एंड जो पेशेंट क्योर होना उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है जितनी ज्यादा अपनी होम्योपैथीसिटी होगी उतनी ही कम डोज अपने को देनी चाहिए जितना ज्यादा अपने पेशेंट की सिमिलैरिटी मिल रही है अपने को अपनी मेडिसिन की सिमिलैरिटी से उतनी ही स्मॉल डोज देनी चाहिए वहां पे ठीक है तो जितना अगर ग्रेटर होमोपैथिसिटी है तो उतना ही ज्यादा हार्म करेगी अगर अपने पेशेंट को हाई पोटेंसी या फिर लार्ज डोज दे दी करेक्ट मेडिसिन है अपनी लार्ज डोज दे दी हाई पोटेंसिटी की दे दी नेचुरल डिजीज तो उसकी रिमूव हो गई लेकिन मेडिसिनल डिजीज बहुत लास्ट लॉन्गर करेगी जिसकी वजह से एग्जॉशन हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ का क्योंकि वो कौन से पार्ट पे एक्ट कर रही है जो मोस्ट सफरिंग एंड मोस्ट इरिटेटेड पार्ट है ऑलरेडी ठीक है तो 276 का कई बार क्वेश्चन आया हुआ इसका क्वेश्चन आता है इसका फुटनोट भी इम्पोर्टेंट है वट इज फुटनोट में इसके क्या लिखा है फुटनोट सिक्स एडिशन का दैट इज अबाउट क्रॉनिक चाइना मेलेडी क्रॉनिक चाइना मेलेडी क्या है जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल बताया है एक कि जैसे पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है इंटरमीडियंट फीवर से ठीक है तो एलोपैथी अब कोई भी इंटरमीडियंट फीवर का पेशेंट एलोपैथी वाले के पास जाता है तो वो क्या करते हैं चाइना सिंगोना बार या फिर क्विनन ही देते हैं फीवर के लिए जो पहले दिया जाता था ना क्विनीन ही दिया जाता फीवर के लिए तो ऑल्डो पेशेंट को रिक्वायर थी क्विनीन की लेकिन इतनी ज़्यादा लार्ज डोज में रिक्वायरमेंट नहीं थी जिसकी वजह से क्या हो गया पेशेंट को अगर एलोपैथिकली लार्ज डोज दे दी गई जो कि क्विनिन एलोपैथी में बोला गया उसको होम्योपैथी में उसको क्या बोला गया सिंकोना बार्क बोला गया परवोरियन बार्क बोला गया तो पेशेंट में फीवर तो रह ही गया उसके साथ साथ में अब पेशेंट में इन्वॉल्वमेंट हो गया स्प्लीन का भी एंड लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया क्योंकि ये मेडिसिन ने जाके अब लिवर को भी डैमेज कर दिया एंड स्प्लीन को भी डैमेज कर दिया क्विनिन की लार्ज डोज ने जिसकी वजह से जो चाइना या परवोरियन बार्क है वो उसमें पेशेंट पे क्रॉनिक इफेक्ट रह गए तो इसी चीज को क्रॉनिक चाइना मेलेडी बोला गया है क्रॉनिक चाइना मेलेडी किस वजह से डेवलप हो रही है ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ परबुदियन बार या फिर ड्यू टू लार्ज डोज ऑफ क्विनी ऑल पेशेंट के लिए वो सिमिलर मेडिसिन थी राइट मेडिसिन थी लेकिन डोज इतनी ज्यादा हो गई कि पेशेंट में चाइना के हमेशा के लिए सिम्टम रह जाएंगे दैट इज क्रॉनिक चाइना मेलेडी ये एग्जाम्पल